करवा चौथ तो अपने पति के लिए रखते हैं, फिर आप किसके लिए रखोगे? मैं अपनी बेटी के लिए, माँ के लिए। अच्छा माँ के लिए रखोगे, रंगी क्या करेगी मुझसे शादी? अभी तो कहा अपने पति के हाथ जाऊंगी। नहीं तुम ठीक करोगी? नहीं बड़ी होगी तो अपने पति के हाथ जाना पड़ेगा। नहीं जाएगी क्यों? दोस्तों हम गए थे पिथौरागढ़ करवा चौथ की शॉपिंग करने, तो इतनी सारी भीड़ सिमलगेर में लगी पड़ी है और बहुत सारी करवा चौथ के सामान लगे हैं जिस पे सेल पे आपको सिंगार के सारे सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी क्योंकि देखने लायक भी नहीं हो रखा था भीड़ की वजह से, और शाम हो गई देखते देखते, तो हम चले घर की ओर क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं। तो हमने सोचा दूसरे दिन शॉपिंग करेंगे, नैनू भी मेरे साथ ही थी मार्केट को, तो फिर हम चले घर को। हमने सोचा हम दूसरे दिन शॉपिंग करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कहाँ जा रहे हैं? चलो फिर मैम से मिलने। चलो फिर नैनू जा रही है स्कूल। मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वैसे तो वीडियो की शुरुआत नैनू ने करी ली थी, तो निक्की चले गई है स्कूल। सुबह के 10 बज रहे हैं, 9 बजे चले गई थी नैनू, तो 10 बजने वाले अभी बजे नहीं है, नाश्ता पानी हो गया है। तो इससे पहले सबसे जो मैंने दिखाई थी करवा चौथ की बहुत सारी भीड़ पिथौरागढ़ में, जैसे कि मार्केट में हुई रखी है, कल थोड़ी सी मैं भी गई थी तो थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने, ज्यादा नहीं बनाई। फिलहाल सामान मैं नहीं ले पाई पूरा भीड़ ज्यादा होने की वजह से, तो आज जाऊंगी मैं। कल निक्की को भी ले गई थी, शाम के टाइम गई थी, अभी मैं सोच रही हूँ आज दोपहर में जल्दी चले जाऊंगी तो उसको जाके लेके आएंगे। फिलहाल निक्की चले गई है स्कूल, नाश्ता करके बाकी ऑफिस चले गए हैं। बाकी मैंने अभी नाश्ता पानी बनाना है अम्मा लोग के लिए, तो बनाते हैं फिर मिलते हैं, जो भी होगा दिन भर बने रहे। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्योंकि भीड़ तो बहुत सारी है, वीडियो बनाने लायक भी नहीं हो रहा। कहीं हाथ से फोन वोन गिर गया तो फिर टूट जाएगा, नहीं भी गिरा तो फिर भी भीड़ में वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा से होता ही है। फिर नहीं बनाई मैंने, जो भी थी भीड़ वीड़ तो मैंने आपको दिखाई थी, तो अब वीडियो पर बने रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, देखते तो जरूर हो लेकिन लाइक नहीं करते, पता चल जाता है, तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो। एक यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत सारी धूल उड़ रही है। प्रणाम जी, तेरे को खुश रहो। ओ छे गुनु अगले करवा चौथ की तैयारी में मेहंदी लगाई जा रही है छतों में पहले ही। नैनू ने भी लगाई है, नैनू की भी दिखाती हूँ मैं। ओ ऐसे तो दिख ही नहीं रही है। चले तो दोस्तों शाम के 3 बज गए हैं, मुझे जाना तो सुबह ही था, सुबह मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन नहीं जा पाई, तो छत में आंटी लोगों ने मेहंदी वेहंदी लगाई, इसमें रह गई। कुछ देर निक्की के लगाई, कल निक्की को ले गई थी तो निक्की को अभी मना रखा है, तो अब मैं जा रही हूँ। 3 बज गए हैं, देखो क्या क्या ले आती हूँ मैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी, बाकी तो नहीं, मुझे अपने लिए खास ज़्यादा लाना नहीं है, थोड़ा बहुत सुहाग की चीज़ें ले आऊँगी, बाकी मैं कपड़े वपड़े ज़्यादा लाऊँगी नहीं, वो मेरे पास हैं अभी नहीं बनाऊँगी। तो फिलहाल जाती हूँ, जो भी होगा वो लेके आती हूँ मैं। फिलहाल कितने हो रखे हैं? 4:30 हो रखे हैं, 1.5 घंटा लगा। कल हम 4 बजे गए तो 6:30 हो गया आने तक का। तो फिलहाल आज निक्की को नहीं ले गई मैं, निक्की की फरमाइश थी कि मम्मा मेरे लिए क्या लाना, बर्गर। तो निक्की के लिए बर्गर लाई हूँ, देखो कैसा होता है। मैं वैसे कभी लेके नहीं आई हूँ बर्गर, तो ठीक है वैसे हेल्थी तो ऐसा ही होता है, है? तो नैनू ने मेरे से बर्गर मंगाया था, तो फिलहाल नैनू का बर्गर, लुको इसमें डालो, नैनू को बर्गर खिलाते हैं। और अम्मा के लिए चाय बन रही है, फिलहाल अम्मा को चाय देते हैं, निक्की को बर्गर खिलाते हैं। अरे वाह खोलने लग गई है तो, चलो खा लो पहले। हाँ पहले निक्की को बर्गर खिलाते हैं फिर मिलते हैं। अच्छा आप ऑरेंज खाओगे? क्या क्या करोगे? ऑरेंज लाना
दोस्तों ये मेरा सामान गड़वा चौथ का क्या क्या अभी तो नहीं दिखा रही। फिलहाल निक्की बर्गर खाने में बिजी है। इसने बोला था कि मम्मा कफ केक लाना, तो मैं कफ केक ले आई। तो एक ही लाने वाली थी, भैया पैक कर रहे थे, मैंने कहा चलो दो कर देते हैं। एक नैनू खाएगी, एक मैं खाऊंगी ना। अच्छा ये पिंक मेरा, ठीक है ओके। चलो निक्की का पेट भी भर गया, खुश भी हो गई, घर में भी रह गई। फिलहाल क्या क्या सामान है मुझे समेटने हैं, ये चीज़ें समेटती हूँ मैं अपने। अब क्या खा रही नैनू? अच्छा वो क्या कहते हैं बर्गर और कप केक से नहीं भरा पेट है? क्या बचाया था? कप केक बर्गर क्यों नहीं बचाया? कोई बात नहीं है, चल जाएगा ना, पापा कहाँ हैं? तो ये खाने लग गई है अब गोलगप्पे। तो कलेक्ट्रेट गई थी घूमने, शाम के 6:30 हो गए हैं। आजकल तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है और इसके काम हो रहे हैं कि उमर के नहीं हो रहे खाना अभी तक। मोमो खाएगी ना? पापा कौन हुए? निकी ने अपने पापा का नाम कुंभकर्ण रखा है क्योंकि ये आवाज ऐसे करते हैं, घूरते हैं। परसों ये रामलीला में देख आई थी, वो भी ऐसे ही घूर रहा था ना, तो इसलिए इसने अपने पापा का नाम कुंभकर्ण रख दिया है। तो ऐसे कुंभकर्ण आजकल ना इसे कुछ कहना रही हो रहा, थोड़ी मैं मुंह बना रही है, थोड़ा रोज आ रही है। मेरी थोड़ी नखरे कम सहन करती है, बाकी के तो होते ही नहीं है सहन, एक मेरी करती है। फिलहाल इसको खाने देते हैं, बाकी मेरी सब्जी वब्जी बन रही है। क्या करेगी मुझसे? अभी तो कहा अपने पति के हाथ जाऊंगी। नहीं तुम ठीक करोगी? नहीं बड़ी होगी तो अपने पति के हाथ जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं जाएगी? क्यों? नहीं। किससे करेगी शादी बता, अपने स्कूल के दोस्त का नाम बता। नहीं आप ठीक करो, मेरे से शादी करेगी? मेरी आओ, मेरी आओ। नहीं तो मैं गुन्नू की हूँ ना। अभी निक्की कह रही थी शादी करके अपने पति के घर तो जाना पड़ेगा कह रही थी। अब कह रही है मुझे आपसे शादी करनी है। सुनो आप बड़े हो जाओगे तो ना, बड़े हो जाओगे तो शादी करनी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने शादी की तेरे पापा से। सबसे बड़ी गलती की ना बहुत ना। पापा ने तो मम्मा को बुलाया। मैं कहाँ रोई थी उस दिन? नैनू को पता है मैं कहाँ रोई थी। इसने एक दिन कैशियर देखी थी। कहाँ रोई थी मैं? कौन से होटल में रोई थी? अच्छा रो रही थी मैं? कम के ज्यादा? ज्यादा। क्यों क्यों रोई होंगी? किसकी याद आई होगी मेरे को? गुन्नू की ना। हाँ तभी रोई होंगी ना। पापा ने मारा होगा। हाँ हो सकता है। बुड्ढा ने मारा होगा। तेरे खरपर शुरू सूजा और बस। ये ना अपने पापा को आंख ही नहीं देखती है। पर भी कुंभकर्ण बोल दी थी। अभी बुड्ढा कह रही है किसी समय टकला बोलती है। मुझे बात नहीं कर रहा। किसी समय कुछ कॉपी गंदे मत करो नैनू, लिखो। और अब इसको किसी समय शादी करके अपने पति के घर जाना है, किसी समय मुझसे शादी करनी है, और बड़े होके क्या बनना है? मम्मा। इसको बड़े होके पता नहीं क्यों मम्मा बनना है। ये वाला मम्मा नहीं कि शादी करो गोद में बच्चा पकड़ के घूमो, ऐसा मम्मा नहीं। सिर्फ वो मेरा जैसा बनना चाहती है कि पता नहीं क्या लगता है इसको मम्मा में। मम्मी मिट्टा नहीं है। नहीं मिटेगा, ऐसा मत करो ना, मैम गुस्सा करेगी, मत करो। वो कॉपी गंदी नहीं करते, किसी और के काम भी तो आएगी। तो दोस्तों रात के 9 बज गए हैं, तो करवा चौथ की शॉपिंग तो मैं कर आई थी। फिलहाल भाभी लोगों ने तो दिन में मेहंदी लगा ली थी, उनने निक्की ने भी लगा ली थी। निक्की भी व्रत रख रही है ना करवा चौथ का? हाँ किसके लिए रख रही हो व्रत? करवा चौथ तो अपने पति के लिए रखते हैं, फिर आप किसके लिए रखोगे? मैं अपनी बेटी के लिए, माँ के लिए। अच्छा माँ के लिए रखोगे? अच्छा नैनू कह रही मुझे भूख लग जाती है, मैं नहीं रखूंगी। पहले तो कह रही थी मेरा भी व्रत है, वैसे तो रोज खाना खाते हैं, एक बार व्रत है। फिलहाल मेरी एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है हल्की फुल्की, दूसरे में लगानी है। मैंने कहा वीडियो की एंडिंग करती हूँ, वरना दूसरे में मेहंदी लगाऊंगी तो फिर एंडिंग नहीं कर पाऊंगी।
रात के 9 बज गए, यहाँ लोग सो गए, फिलहाल हम भी सोते हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर, बाय 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 बाय।